कल आप लोगों ने विभव और विभवांतर की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। विभव एक प्रकार का कार्य है जो किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से लाने में किया जाता है तथा विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। अब इसी के लिए आगे की ओर चलते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ, इसको शॉर्टकट में ईवी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में ये ईवी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से कार्य और ऊर्जा के आपने मात्रक पढ़े, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है और इसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है, ठीक है। तो यह कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है तथा इसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। परमाणु भौतिकी में किया जाता है। ठीक है। तो ये कार्य तथा ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है तथा इसका उपयोग परमाणु भौतिकी में करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आज की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या निकालेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तो जिस तरह से आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उसी प्रकार से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। यहाँ पर पाठ में एक ही चीज अच्छी है कि आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों की कंडीशन समान है, इनको एक जैसी ही स्थितियां हमें निकालनी है। तो बिंदु आवेश लेते हैं तो कोई बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमने ए ले लिया या पी ले लिया, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। अब आपको पता ही है कि विभव की परिभाषा थी अनंत से किसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। यहाँ पे अनंत से तो अनंत तक की दूरी को हमने क्या किया, ये अनंत है, दो बिंदु मान लिए ए और बी, ठीक है। तो ए और बी दो बिंदु मान लिए, जहां से वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसकी ओ बिंदु से दूरी बी की एक्स मान लिए और इन दोनों के बीच की दूरी डी एक्स मान लिए, ठीक है। अब बी बिंदु पर क्यू जीरो धन परीक्षण आवेश रखा हुआ मान लिया, चूंकि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से तो ला नहीं सकते, जो भी दूरी निश्चित नहीं है, तो हम कार्य आकर उल्टा करेंगे, यहां से अनंत को ले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है।
तो विभव का सूत्र होता है v बराबर w अपॉन q, यानी कि कार्य निकालना है आपको और कार्य के लिए आपको चाहिए क्या, बल, और बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य निकल के आ जाएगा। तो हम पहले क्या किया, हमने v बिंदु पर एक धनावेश परीक्षण धनावेश रखा हुआ मान लिया, तो पहले O तथा B बिंदु के बीच लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे। ठीक, वैद्युत बल का एक ही सूत्र होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दूरी कितनी है, x, तो x स्क्वायर। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो सबसे पहले धन परीक्षण आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो पहले सूक्ष्म दूरी है, तो सूक्ष्म कार्य होगा dW बराबर F इंटू माइनस का dx। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि वैद्युत बल बाहर की ओर लग रहा है और हम ला कहां रहे, अंदर की ओर, यानी कि वैद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या लिया जाएगा, माइनस। ठीक है, तो dW बराबर 1/4πε0 Q0/x2 और ये माइनस आगे लगा लीजिए तो इंटू dx। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सूक्ष्म कार्य। अब हमें क्या करना है, अतः A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, तो अनंत से बिंदु P तक, अब आप कहां से लाएंगे, अनंत से P बिंदु तक, तो यहां पर लिखेंगे अतः अनंत से P बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, फाइनली अनंत से लाएंगे तो W बराबर इनफाइनाइट टू आर लिमिटेड, क्योंकि अनंत से आर तक ला रहे हैं, माइनस का 1/4πε0 Q0/x2 इंटू dx, तो समाकलन कर देंगे संपूर्ण कार्य के लिए इसका। ठीक है, अब समाकलन में ध्यान रखना है कि dx है तो x वाले पद का समाकलन होता है, तो बाकी सब कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएंगे, इनफाइनाइट टू आर। अब बटे में समाकलन होगा नहीं, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और जब ऊपर ले जाते हैं तो इसकी हो जाती है घात चेंज हो जाएगी, और घात जब चेंज होगी तो ये जो घात बनेगी वो बनेगी आपकी x की घात -2 इंटू dx। अब a की पावर n का समाकलन होता है a की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये सूत्र लगा लेंगे तो w बराबर 1/4πε0 Q0 x की घात -1 बटे -1, लिमिट इधर आ जाएगी, माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस
तो W बराबर 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो, इसको प्लस में बदलेंगे तो 1/x इनफाइनाइट टू आर। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने में W बराबर 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/∞ जीरो होता है, तो W बराबर ठीक है, परंतु V बराबर होता है W अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 वोल्ट का आवेश के कारण विभव निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, इसके पश्चात कल आपको आगे पढ़ाया जाएगा।